एवरीवन, मेरा नाम शोएब है और मेरे साथ यहाँ पर है मनीष। हाय एवरीवन, ही इज द फाउंडर ऑफ फुलस्कूप डिजिटल एड एजेंसी एंड मेरे काफ़ी पुराने दोस्त। तो फुलस्कूप के ये फाउंडर हैं, सीईओ हैं, चेयरमैन हैं, एमडी हैं। आजकल के एंटरप्रेन्योर्स को एक चस्का रहता है टाइटल का। तो आप फुलस्कूप के सोचना था, ये फुलस्कूप चलाते हैं, चला लेते हैं। तो आप क्या हैं फुलस्कूप के, व्हाट इज योर ऑफिशियल टाइटल? तो जैसे यंगस्टर्स को चस्का रहता है वो बात सही है, पर यंगस्टर्स को जो कर चुके हैं उन्हें ये भी पता है कि उन्हें पीओन से लेके सीईओ तक सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। तो ये बोलना लगता थोड़ा स्टाइलिश है, बट एक्चुअल में रियलिटी है। कभी कभी एड मैनेजर बनना पड़ जाता है जब क्लाइंट कोई एड का प्रोजेक्ट देता है, कभी मार्केटिंग मैं बोलूँगा सबसे पहला नंबर पर रहता है। और कहीं ना कहीं मुझे पसंद भी है मार्केटिंग, तो इसलिए फर्स्ट मार्केटियर, सेकंड नंबर पे बाकी सब है। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले इस मार्केटियर फॉर फुलस्कूप, उसके बाद ये इसलिए टी शर्ट भी पहन के आया, यहाँ भी मार्केटिंग हो सकती है, यहाँ भी और काफ़ी मार्केटिंग। ठीक है, तो भाई फुलस्कूप के बारे में बताओ यार कुछ, क्या कब स्टार्ट हुआ, क्या करते हो, क्या कर लेते हो? तो आप जैसा जानते हैं काफ़ी टाइम से एक दूसरे को बचपन के दोस्त हैं। एमबीए 2010 में खत्म किया था। एफवाईआई फॉर ऑल दोस वाचिंग द वीडियो, 2010 में एमबीए खत्म किया था और उसके बाद दो वेंचर्स किए। दिल्ली से थोड़ा झगड़ के पैसा लिया था, हॉस्टल चालू किया जो 2 महीने में बंद करना पड़ा क्योंकि अच्छा चल नहीं पाया जो भी रीजन्स थे। उसके बाद एक आध महीना घर पे बैठे सोच के कि अब कैपिटल तो है नहीं, पैसे नहीं मांग सकते, तो क्या ऐसा करें जिसमें जीरो कैपिटल लगे और बाकी सब चीज़ें ठीक है। लगता है कई बार किस्मत में साथ दिया, बट एक चीज़ कुछ इस पर मैं थोड़ा प्राइड फील करता हूँ और हमेशा करूँगा कि जीरो कैपिटल से चालू करने का जब मौका आया तब दिमाग अपने आप ऐसा आइडियाज ढूंढने लग गया कि इसमें क्या सस्टेनेबल है। तो एक कार्ड चालू किया था, डिस्काउंट कार्ड, इंदौर के जितने भी रेस्टोरेंट है उनमें जाएंगे तो 10% 20% डिस्काउंट। वो कार्ड बनवा रहा था जब, तो उसकी डिज़ाइन अच्छे से बनी। कुछ रेस्टोरेंट वालों ने बोला आपके कार्ड की वजह से हमारी भी कुछ डिज़ाइन बना दो, मेन्यू बना दो। उस तरीके से धीरे धीरे फुलस्कूप का इंसेप्शन हुआ। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पूरी एक अच्छे से प्लानिंग करके जब किया तो वो चीज़ नहीं चली। जब ये चीज़ अपने आप करता गया कि डिज़ाइन खुद की बनाई, क्लाइंट ने बोला हमारी बना दो, उनकी बनाई, उन्होंने बोला डिज़ाइन बना रहे हो तो फेसबुक के लिए भी बना दो, हमारे फेसबुक के लिए डिज़ाइन बना रहे हो तो फेसबुक हैंडल भी करिए। तो ऐसे धीरे धीरे करके एक चीज़ बनी और एक दिन अचानक ये रियलाइजेशन हुआ कि अपन ये जो 4 चीज़ें कर रहे हैं जो बाकी लोग इनको करते हैं वो अपने आपको डिजिटल एड एजेंसी बोलते हैं। पिछले क्वेश्चन में यार मनीष ने आपको बताया कि हम लोग बचपन के दोस्त हैं, तो एक क्वेश्चन में आपसे पूछता हूँ फिर बचपन से ही रिलेटेड, कि एंटरप्रेन्योरशिप करना है, खुद का बिजनेस बनाना है, ये क्या बचपन से था या एकदम से कहीं पे आप गए हुए थे और आपको कीड़े ने काट लिया एंटरप्रेन्योरशिप वाले ने बोला तो एंटरप्रेन्योरशिप? नहीं, तो अपन बचपन में स्कूल में हम लोग साथ में थे, उसके बाद कुछ टाइम के लिए हम अलग हुए। जब सेकेंड हाफ ऑफ द स्कूल 7th to 12th ग्रेड जिसको बोलते हैं वो हमने अलग अलग किया, फिर कोइंसिडेंटली वापस एक जगह पर मिले ग्रेजुएशन के बाद, पोस्ट ग्रेजुएशन में एमबीए करने के लिए। तो एमबीए करने के पहले तक जैसे कि आप जानते हो कि पढ़ाई में आपका दोस्त थोड़ा पीछे रहता था, तब तक कुछ ऐसे एंटरप्रेन्योरशिप करना है कुछ करना है टाइप भी नहीं रहती थी चीज़। पर जब एमबीए करने गया तो वहाँ पे पहले एमबीए की तैयारी के लिए पीटी ज्वाइन किया था, जो संदीप मानोदर हैं वो उनके फाउंडर थे, फिर कॉलेज में साथ में रहे तो उनसे काफ़ी मैं इंस्पायर था, उनको खुद को उनके एंटरप्रेन्योरशिप ने काफ़ी इंस्पायर किया हुआ था। तो जनरली जो टॉपिक उन्हें अच्छा लगता था वो सर्कुलेट ज़्यादा होता है कोई भी ह्यूमन बींग, तो उनके एंटरप्रेन्योरशिप के क्रेज को देख के, अलमीज को देख के धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है समझ में आया। फिर ऑफकोर्स जब ग्लोबल लीडर्स की स्टोरीज पढ़ी, स्टीव जॉब्स एंड ऑल की ये क्या चैलेंजेस लेके आता है, तो बनने का फिर रास्ता बन गया। तो फिर आपने सोचा कि यार अब अपन एंटरप्रेन्योरशिप ही करेंगे, लेकिन यार एंटरप्रेन्योरशिप करने में आपको क्या लगता है क्या डिसएडवांटेजेस भी हैं? तो बाकी सब भी बेनिफिट्स मिलते हैं। चैलेंजेस के मामले में आउट ऑफ ऑल द चैलेंजेस अभी जो मैं सबसे ज्यादा फेस कर रहा हूँ वो रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप में यू ग्रेजुअली नॉट ग्रेजुअली फ्रॉम डे वन गेट इमोशनली अटैच्ड विद योर ब्रांड, और ये बेनिफिट तो रहता है बट बेनिफिट से ज्यादा अभी जो प्रेजेंट स्टेटस चल रहा है उसमें फेस कर रहा हूँ कि ये नेगेटिव पॉइंट होता है। कई बार आप टीम बनाते हो आगे बढ़ने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप, बट अगर आप अपने आप को थोड़ा सा कुछ डिपार्टमेंट से छोड़ोगे नहीं, दूर नहीं करोगे, तब तक आपके साथ वाले उसको पूरी तरीके से हैंडल नहीं करेंगे क्योंकि आपका इन्वॉल्वमेंट बना रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इमोशनली गेट डिटैच्ड एंड हैंडल ओनली व्हाट यू आर टेकिंग प्रोफाइल फॉर। कितना डिफिकल्ट रहता होगा यार, बिकॉज फुलस्कूप की अगर मैं बात करूँ, फुलस्कूप इज योर ओन बेबी, राइट? गेटिंग डिटैच्ड फ्रॉम फुलस्कूप बहुत मुश्किल होगा, राइट? लाइक नोकिया ने एंड्रॉइड में नहीं आया, जो हम करते हैं वही हम करेंगे, सिम्बियन तो सिम्बियन,
So how difficult is it to detach yourself from जो भी मार्केट में भी चल रहा है उसको फॉलो करें एंड डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम योर ओन बिजनेस? यार एक वो बचपन में झूला झूलते थे, क्या बोलते हैं उसको, टिक टैक, वो नीचे ऊपर जाते सीसॉ रहती है, क्योंकि एक तरफ आप बहुत बड़ा विजन रखते हो अपनी कंपनी के लिए तो उसकी तरफ चलते हो कि मुझे एक की जगह दो ऑफिस क्रिएट करने, 10 की जगह 50 क्लाइंट्स करने, दूसरी तरफ जो आपके 10 क्लाइंट है उनके लिए आपकी टीम को कोई भी एक जगह गलत हैंडल करते हुए देखते हो तो आप सडनली इन्वॉल्व हो जाते हो. तो आपके लिए वो सिचुएशन रहती है कि या तो मैं अभी वाली चीज़ें 6/10 की जगह 10/10 हो उस पर ध्यान दूँ, या फिर मैं अभी स्केलिंग अपनी कंपनी की बढ़ाने पर ध्यान दूँ. तो आपके लिए कभी कभी यू हैव टू चूज आइदर ऑफ देम वाली सिचुएशन आ जाती है. तब मेरे ख्याल से प्रॉब्लम सॉल्व होती है कि आप चूज करोगे कि बेटर मैनेज हो रहा है ना, दैट इज बेटर देन वहाँ पे नया नहीं हो कुछ भी और ये 6 की जगह 10/10 मैनेज हो. यू विल हैव टू बी ओके विद सीइंग योर टीम मैनेजिंग इट इन लेस क्वालिटी देन व्हाट यू वुड डू योरसेल्फ. हां ओके, एग्री दैट. एक वो बात होती है ना, इफ यू वांट समथिंग to be perfect, do it yourself. तो वो अपन को नहीं करने का है, वो नहीं करते. ओके, तो यार एक स्टडी है फोर्ब्स की विच सेड के 90% इंडियन स्टार्टअप्स फेल होते हैं, एंड विद इन आई थिंक फर्स्ट 2 या 3 years में ही फेल हो जाते हैं. और एज एन एंटरप्रेन्योर आपको भी हजारों तो नहीं पर 100 के करीब सैकड़ों तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स मिलते ही होंगे रोज के भाई हाय मैं एंटरप्रेन्योर हूँ इस टाइप से. हाँ, लेकिन तो What do you think, since you have met so many entrepreneurs, आपको क्या लगता है कि यार ये दो चीज़ें हैं या ये एक चीज़ है which entrepreneurs lack, उनकी वजह से उनके maybe their enterprise are not or their startups are not doing as well or they fail eventually? तो इसमें मुझे सबसे मेजर रीजन शोएब लगता है. एक्चुअली आई वाज जस्ट गोइंग टू अ पॉडकास्ट फॉर रॉबिन शर्मा, उसमें एक टर्म हमने यूज़ करी थी, आई कैन इज मोर इम्पॉर्टेंट देन आई क्यू. और मुझे बहुत फैसिनेटिंग टर्म लगी थी और मुझे मेरे पास से लगता है कि कहीं ना कहीं वो वाली चीज़ ही फॉलो करी थी और करनी चाहिए. जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं कि कोई भी चैलेंज आएगा जब भी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में, अगर आप अपने माइंड सेट में कैसे कर सकते हैं पे ज़्यादा ध्यान देंगे, क्या रीजन से नहीं हो पा रहा है की जगह पे, तो फिर हर चीज़ का अपने आप सॉल्यूशन मिलता जाएगा और एस्टैब्लिशमेंट. ओके, दूसरा यार मुझे पर्सनली, ऑल्दो आई हैवंट मेट एज मेनी स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स एज यू वुड हैव, बट मुझे एक चीज़ लगती है विच इज़ ऑफन कॉल्ड एज अ डैबलर मेंटेलिटी या शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम बेसिकली, कि यार एंटरप्रेन्योरशिप एक शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, लेट्स गो एंड लेट्स डू इट. क्या करना है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, एकदम शाइनिंग ऑब्जेक्ट है, हर आदमी स्टार्ट कर रहा है, स्टार्ट ई कॉमर्स वेबसाइट. या एकदम आए और कुछ और जो एकदम यूट्यूब पे आए, क्या करना है यार, टेक्निकल चैनल चालू करना है, मोबाइल्स रिव्यू करूंगा, दिस इज शाइनिंग ऑब्जेक्ट. तो वो शाइनिंग ऑब्जेक्ट सिंड्रोम वो लेके आए, स्टार्ट किए, उसमें बैठे 3 महीने तक किया, एंड देन शाइन उसकी जब चली गई तो लगा अरे यार ये तो नहीं हो रहा है, आई विल डू समथिंग एल्स. यू थिंक दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम? आई थिंक दैट इज अ प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द फैसिनेशन दैट ओवरऑल इंडस्ट्री, बिजनेस इंडस्ट्री इज शोइंग इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, फंडिंग एंड गेटिंग अ बिग नेम. तो हमारे यहाँ भी बिकॉज डिजिटल एजेंसी चलाते हैं, वेबसाइट्स बनाते हैं कुछ क्लाइंट्स के लिए, तो कई बार ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जिन्होंने जस्ट कॉलेज पास आउट किया है, अपने पेरेंट्स से लिया है कि बिजनेस चालू करना, 50,000 फंड्स चाहिए चाहिए, और हमें फ्लिपकार्ट की कॉपी बनवानी है, आप बनवा सकते हैं क्या, हमें मंत्रा की कॉपी बनवानी. Sometimes try to make them understand, but उस टाइम पर वो समझना बहुत डिफिकल्ट रहता है. तो मुझे लगता है इसका सोल्यूशन यह है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो जाए, फंडिंग हो जाए, एक रूट बिजनेस क्रिएट करना है जिसमें 10 रुपये लगाने पर आप 15 रुपये कमा सकें, 12 रुपये कमा सकें, वो आपकी माइंड सेट या सोच होनी चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ओके, सो यू हैव टू थिंक थ्रू कि अगर मैं 10 रुपये लगा रहा हूँ तो विल आई बी एबल टू मेक 12 आउट ऑफ इट. ये स्टोरीज पे फैसिनेट होना कि उनको फंडिंग मिल गई और उनकी ओवरऑल ब्रांडिंग इतनी, वो एक अलग गेम खेल रहे हैं, वो अगली जनरेशन से पैसा कमाने की सोच को लेते हुए चल रहे हैं जिनके पास बैकअप स्ट्रॉन्ग है. पर आपको एक कोर धंधे की बात करनी है कि मैंने इतने रुपए लगाए हैं तो मुझे हर महीने वर्किंग कैपिटल का 120% कैसे मिल सकता है. राइट. ओके, तो धंधे की बात जहाँ आपने कर दी तो मेरे दिमाग में एक सवाल आया. एज एन एंटरप्रेन्योर, राइट, यू रन योर ओन बिजनेस, एज एन एंटरप्रेन्योर, और स्टार्टिंग में भी आपने बोला कि भाई मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अब सेल्स को लेके, आई वाज रीडिंग समवेयर, सेल्स को लेके एक नेगेटिव कनोटेशन रहता है सबके दिमाग में कि भाई मैं अगर यहाँ पर बैठा हुआ हूँ मेरे ऑफिस में
और मुझे कोई कॉल आ रहा है विच इज़ अ सेल्स कॉल विच इज़ अ कोल्ड कॉल राइट, तो मेरे दिमाग में एक नेगेटिव कॉनोटेशन रहता है कि यार ये आदमी मेरे को कुछ चिपका के जाएगा, इंश्योरेंस बेच के जाएगा राइट, आई फील कि ये मुझे ठग के जाएगा राइट. बट एज एन एंटरप्रेन्योर सेल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट. हाउ डू यू मेक श्योर और हाउ हैव यू मेड श्योर कि व्हेन यू आर गोइंग आउट ऑन अ कॉल, व्हेन यू आर मीटिंग अ न्यू क्लाइंट, सामने वाले को ये नहीं लगे कि यार ये आ गया मुझे ठगेगा. तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शो बोला है. जैसा हम देखते हैं कि कस्टमर्स डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बाय. करेक्ट, दैट इज बेसिकली डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग. दिस इज कोट फॉर दिस वीडियो, कस्टमर्स डोंट लाइक टू बी सोल्ड, दे लाइक टू बाय. ओके, आगे बढ़ के मुझे खरीदना है तो मैं 100 रुपए भी लगा दूंगा, लेकिन मुझे बेचना है सेम चीज, तो शायद मैं बोलूंगा मेरे को 100 की वर्थ नहीं लग सकता. करेक्ट, और यही डिफरेंस है सेल्स और मार्केटिंग में. आप आगे बढ़ के जा रहे हो बेचने, वो सेल्स हुआ, आपने कुछ ऐसा करा जिससे आपकी एक बेटर ब्रांड एस्टैब्लिशमेंट आपने शो करी, लोग आपके पास आगे बढ़ के आ रहे हैं पूछने, वो मार्केटिंग है. ओके दैट्स ग्रेट. तो अब यार आपके डिजिटल एड एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं, सोशल मीडिया के बारे में बात कर लेते हैं. और हम सब जानते हैं कि भाई पहले और इवन अभी भी बहुत सारे जो ट्रेडिशनल एड्स के प्लेटफॉर्म होते हैं वो ये होते हैं कि भाई मैं नया बिजनेस हूँ या मैं पुराना बिजनेस हूँ, मैं जो भी हूँ, मैंने एक ऐड दे दिया अखबार में. अब वो अखबार 5 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, वो 50 साल का बच्चा भी पढ़ रहा है, वो वेजिटेरियन भी पढ़ रहा है, वो नॉन वेजिटेरियन भी पढ़ रहा है, सबको मेरा ऐड यूनिफॉर्मली सेम जा रहा है. डिजिटल मीडिया की तरफ से, सोशल मीडिया की वजह से अब ये हो गया है कि मैं अपना बिजनेस, अगर मैं एक नॉनवेज रेस्टोरेंट हूँ तो मैं अपना बिजनेस सिर्फ नॉन वेजिटेरियंस को टारगेट करके ऐड उन्हें ही दिखा सकता हूँ. दिस इज चेंजिंग द एंटायर लैंडस्केप जिस तरीके से एडवर्टाइजिंग होती है बेसिकली. लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया के, फेसबुक हुआ, ट्विटर हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, राइट, ये सब प्लेटफॉर्म्स भी अपने आप में अलग है, राइट. अगर मैं हूँ और मुझे ट्विटर बहुत ज़्यादा पसंद है बट मुझे हो सकता है फेसबुक उतना पसंद नहीं हूँ, राइट, तो बिजनेसेस के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है कि उन्हें किस प्लेटफॉर्म पे अपने बिजनेस को एडवर्टाइज करना चाहिए, किस प्लेटफॉर्म पे वो पैसा लगाएं ताकि उनका जो बिजनेस है दैट मीट्स मोर आईबॉल्स, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. आपको क्या लगता है कि ये हॉस्पिटैलिटी के लिए आपकी आपकी आप जिस इंडस्ट्री को कैटर करते हैं उनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके हिसाब से? इस केस में शायद हॉस्पिटैलिटी में हम लोगों को लगता है जो हमारे क्लाइंट्स रहते हैं उसमें एफएनबी की बात करें तो यूथ सबसे बड़ा उनका टारगेट ऑडियंस रहता है. यूथ तो okay. सबसे बड़ी चीज़ डेमोग्राफिक्स पे ध्यान देनी चाहिए ये चूज़ करने के लिए कि हम कौन से प्लेटफॉर्म पे एक्टिव रहे. अगर यूथ है आपका टारगेट ऑडियंस तो वो इंस्टाग्राम पे स्नैपचैट पे ज़्यादा एक्टिव है, इंस्टाग्राम तो आपको उस पर रहना चाहिए. कोई ऐसा है जिसमें आप B2B हैं, ज़्यादा मेच्योर लोग, स्टैंडर्ड लोग चाहिए, तो आपको लिंक्डइन पे ज़्यादा एक्टिव रहना पड़ेगा. और इन सब पे एक्टिव रहना एक सेकेंड पॉइंट है. फर्स्ट पॉइंट है कि आपको हमेशा चलते हुए ट्रेंड को समझते हुए अपनी पॉलिसीज और प्रेजेंस चेंज करती रहनी पड़ेगी. अभी तक लोग भाग रहे थे कि यूट्यूब पर हमको सब्सक्राइबर्स बनाने, यूट्यूब पे सब्सक्राइबर्स. परसों केविन ने अनाउंस कर दिया कि हम लोग इंस्टाग्राम TV लेके आए, अब लोग भागेंगे कि अपन इंस्टाग्राम IGTV पर. अगर आप फटाफट समझ सकते हैं उस चीज़ को और क्विकली एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो फिर आप हमेशा डिजिटल ट्रेंड्स के नेक टू नेक चल पाएंगे. ओके, इसमें दो चीज़ें हैं. सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जो अगर किसी भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट को अपन फॉलो करें, उनको उनके अपन वीडियोस देखें, उनके आर्टिकल्स पढ़ें, तो दे ऑलवेज टॉक अबाउट एल्गोरिदम. फेसबुक एल्गोरिदम चेंज हो गया, फेसबुक पेजेस का एल्गोरिदम चेंज हो गया. मेरे पेज पे 5 लाख फॉलोअर्स थे बट अब 4 कमेंट्स आ रहे हैं. एंगेजमेंट एकदम बिकॉज द एल्गोरिदम चेंज. ट्विटर, आई स्टिल रिमेंबर जो ट्विटर स्टार्ट हुआ था, सारे लाइन से ट्वीट्स आते थे. अगर किसी ने 5:40 पे किया है तो उसका पहले रहेगा, 5:35 पे किसी ने किया है उसका नीचे रहेगा. लेकिन अभी क्या है, 5:35 वाला अगर बड़ा इन्फ्लुएंसर है तो उसका ट्वीट आपको सबसे ऊपर, बिकॉज द एल्गोरिथम चेंज. तो एल्गोरिथम को कैसे फॉलो करना है? एल्गोरिथम में बहुत फैंसी टर्म हो गई है तो डिजिटल एक्सपर्ट्स को बहुत मज़ा आता है यूज़ करने में. हालांकि सोशल मीडिया के बैकएंड से देखें तो उनके लिए भी सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है एल्गोरिथम. आपका फेसबुक ओपन करेंगे, मेरा फेसबुक ओपन करेंगे, हो सकता है सेम पेजेस अपन ने फॉलो करें और सेम फ्रेंड लिस्ट हो, बट फिर भी अपनी सीक्वेंस ऑफ अपडेट्स वेरी करेंगे डिपेंडिंग ऑन कि मैंने किसकी पोस्ट को कितनी बार लाइक किया हुआ है. मतलब मुझे उसकी पोस्ट देखना पसंद है तो मुझे ज़्यादा दिखाया जाएगा. आपने उस एक्स प्रोफाइल की ज़्यादा पोस्ट को लाइक नहीं किया, वाई की ज़्यादा किया, तो सेम फ्रेंड लिस्ट है अपनी, सेम पेजेस लाइक किए हुए हैं, उसके बाद भी आपके इसमें वाई को
ऊपर दिखाया जाएगा, मेरे इसमें टाइमलाइन डिफरेंट हो रही है, सेम होने के बाद भी सबसे बड़ा चैलेंज यह है अभी तो लगता है कि फ्रेंड लिस्ट चला गया इसलिए एंड ऑल, एग्जैक्ट सेम भी रखोगे ना तब भी आपको डिफरेंट दिखेगा। ओके, एल्गोरिथम को जैसे जैसे लोग अवेयर हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर, वैसे वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वालों के लिए एल्गोरिथम को स्मार्ट करते रहना एक मैंडेटरी एक्टिविटी। ओके ओके ठीक है, कुछ ऐसे यूट्यूबर हैं जैसे यू नो डेरे लीव्स एंड शॉन गनल, ये लोग जो यू नो यूट्यूब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, दीज आर हार्डकोर यूट्यूबर्स एंड देयर यूट्यूब चैनल्स इटसेल्फ टीच हाउ पीपल शुड रन देयर यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, ये उसके मास्टर लोग हैं बेसिकली। इन लोगों का एक कहना होता है एंड विच आई फाइंड वेरी ट्रू एक्चुअली, क्योंकि 3 साल पहले अगर इनका अपन स्टेटमेंट सुनते तो शायद अपन उतना बिलीव नहीं करते, बट आज हो सकता है आप बिलीव करें। दे ऑलवेज कोट अ स्टडी एंड दे से के बाय 2020 80% ऑफ द ट्रैफिक ऑन द इंटरनेट विल बी वीडियो, करेक्ट, टोटली वीडियो। आपकी इंडस्ट्री में सिंस यू डील विद यू नो सोशल मीडिया एंड मार्केटिंग एंड कैंपेनिंग एंड ऑल, डू यू थिंक दिस इज ट्रू? 100% आई ऑल्सो एग्री ऑन दैट फैक्ट, और उसके पीछे रीजन ये है कि सबसे ज़्यादा जनता जो सोशल मीडिया यूज़ करती है वो डेवलपिंग नेशंस में है, इंडिया वे एंड ऑल, और वीडियो पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जिस नेशन से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन या सब्सक्राइबर्स हैं उस नेशन में पिछले 2-3 साल में इंटरनेट की स्पीड काफ़ी बढ़ी है, 2G से 3G 4G पे पहले नहीं होता था, बहुत सिंपल सा रीज़न है क्योंकि वहाँ वीडियोज इतनी फास्ट चल नहीं पाते, अब क्योंकि उनके पास इंटरनेट बैंडविड्थ इन कंट्रीज में बहुत अच्छी है, वीडियोज़ चल रहे हैं बहुत फास्ट, तो इसलिए वीडियो पर टाइमिंग ज़्यादा हो रही है, बिकॉज द परसेंट ऑफ कम्युनिकेशन दैट हैपन्स ऑन फोन इज 25%, आमने सामने बैठ के कर रहे हैं 90% है, डिज़ाइन के थ्रू कर रहे हैं या लिख के 60% है, वीडियोज़ के थ्रू 80%। पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आउट ऑफ ऑल द प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल ऑन डिजिटल वीडियो पे सबसे ज़्यादा परसेंट ऑफ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ओके, इसलिए लिंक्डइन ने भी वीडियो अभी अभी चालू किया, इंस्टाग्राम ने 1 मिनट की जगह 1 आवर तक का वीडियो अलाउ किया है IGTV में, तो वीडियो हैव टू बी ठीक है। तो अब भाई 1 मार्क के क्वेश्चन है और 7 क्वेश्चन है, विच कैरी 1 मार्क ईच, यानी 1 वर्ड आंसर आपको क्या मिलेगा आंसर, कुछ ये कॉफी विद करण थोड़ी चल रहा है मिलेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इंस्पायर्स यू टू गो टू वर्क एवरी डे? एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर। ओके ग्रेट, मस्ट रीड बुक्स फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर आउट देयर? रिच डैड पुअर डैड। रिच डैड पुअर डैड, मैंने भी पढ़ी। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू टिपिकली डू ऑन अ मंडे मॉर्निंग? प्लानिंग द एंटायर वीक। ओके, do you watch TV? Yes. Yes, you do. South Indian movies. South Indian movies. Really. Manish accepting on camera. Favorite social media platform? Instagram. Why? Because that is where youth are, and there is where the future generation is. Okay. Gary Vaynerchuk. He says, अभी आज की तारीख में, मतलब हिंदी में नहीं कहता, but अभी आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज्यादा अटेंशन अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है तो इट्स इंस्टाग्राम, विच आई फाइंड टू। ठीक है, लुकिंग बैक एट फुल स्कूप, व्हाट इज द वन थिंग यू वुड डू डिफरेंटली? आई वुड हैव ट्राई टू हैव ऑफिसेस इन मेट्रो सिटी, सेल्स ऑफिसेस प्रोबेबली, इट वुड हैव हेल्प्ड अस टू ग्रो अ लिटिल फास्टर। ओके ग्रेट, सो गुड एडवाइस देयर फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। लास्ट क्वेश्चन, वन एडवाइस फॉर एवरी एंटरप्रेन्योर आउट देयर। एंटरप्रेन्योरशिप जब मैं मिलता हूँ, एक सबसे बड़ा रीज़न उनका चैलेंज जो मुझे सुनने को मिलता है वो ये रहता है कि रिसोर्सेज या फंडिंग स्टार्टिंग में नहीं है, जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे हैं। द वन एडवाइस दैट आई वुड वांट टू गिव इज नेवर टेक लैक ऑफ फंड्स एज द प्रॉब्लम फॉर नॉट बीइंग इनटू एंटरप्रेन्योरशिप। देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर एवरीथिंग, स्टार्टिंग फ्रॉम हैविंग द फंड्स टू हैविंग द टीम ऑफिस, अगर एक्चुअल में करना है ना, वी ऑल नो दिस बट दिस इज रियलिटी एज वेल, आपने बहुत जगह पर सुना होगा, बट एक्चुअल में फॉलो भी करेंगे इस चीज़ को, जज्बा है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते। तो भाई जज्बा है तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपकी इच्छा हो तो, एंड मनीष सब्सक्राइब करें, कनेक्टेड रहें। यस, एंड मनीष वासवानी का जो चैनल है, उनकी जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हैं और उनकी जो वेबसाइट है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, इफ यू वांट टू गेट इन टच विद मनीश। दैट्स ऑल आई हैड, थैंक्स एवरीवन, बाय बाय, थैंक यू।